प्रदेश में उद्योग धंधे लगाने को लेकर पिछली अखिलेश सरकार में खूब दिखावा हुआ। निवेश लाने के लिए जनता को खूब सपने दिखाए और जमकर वाहवाही लूटी, लेकिन 50 से ज्यादा MOU के बाद भी सिर्फ 2 या 3 धरातल पर उतरे। अब योगी सरकार भी निवेश लाने के लिए खूब कोशिश कर रही है। देखना होगा कि ये सिर्फ दिखावा ही रह जाता है या प्रदेश में निवेश भी आता है। पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार में 50 MOU कराने के बाद सूबे में औद्योगिक विकास के खूब ढोल पीटे गए, लेकिन हकीकत ये रही कि उनमें से सिर्फ 2-3 ही धरातल पर नजर आए, बाकी MOU शोपीस बंद कर रहे हैं। अब एक बार फिर नई सरकार निवेश लाने की कोशिशें कर रही है। इसके लिए योगी सरकार के अफसर देश के राज्यों में 6 रोड शो कर लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए के निवेश का आंकड़ों का दावा कर रहे हैं। इस निवेश के लिए अगले महीने सरकार इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है, जिसको लेकर पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है। अब तक तो लगभग 10 करोड़ से ऊपर सिर्फ सूचना विभाग ही इस समिट के लिए खर्च कर चुका है। अभी जाने आंकड़ा कितने और करोड़ के ऊपर हो जाएगा। इस खर्च के बाद कितना निवेश प्रदेश में आ पाएगा, इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। फिलहाल इसका जिम्मा औद्योगिक विकास आयुक्त के कंधों पर है, जो समिट को सफल बनाने में लगे हुए हैं। बस हम यही कर रहे हैं कि जो भी हम स्टेप्स उठा रहे हैं और निवेश के लिए जो भी हम एक माहौल बना रहे हैं, इन्वेस्टर्स को उससे अवगत कराएं और इन्वेस्टर्स को ये अनुरोध करें कि वो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करें। नहीं, हमने सभी जगह सब लोगों से बातचीत की है, बड़े छोटे सभी लोगों से, तमाम लोगों से संपर्क किया है, टाटा से, बिरला से, अंबानी, अडानी, LNT, ITC, तमाम लोगों से वो किया है और हमने उन्हें आमंत्रित भी किया है कि आप आए और समिट में भी आए और उसके साथ प्रदेश में निवेश भी करें। औद्योगिक विकास आयुक्त ने बताया कि कौन कौन सी नामी कंपनियां इस समिट में हिस्सा लेने वाली हैं, लेकिन पिछली सरकार में जिन्होंने प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई थी उनके पास सिर्फ पत्र भेजा गया है। हमने जिसने जब जब भी उत्तर प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जाहिर की और कतिपय कारणों से निवेश नहीं कर पाया, उनको भी रिवाइव करने के लिए हमने उन्हें पत्र। फिलहाल इस समिट को सफल बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। लखनऊ को चमकाने के लिए नगर निगम से लेकर LDA तक की टीम लगाई हुई है और निवेशकों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही, लेकिन जिम्मेदारी उन्हीं अधिकारियों के ऊपर है जिन अधिकारियों ने अखिलेश यादव से 50 से अधिक अनुबंध कई औद्योगिक संस्थानों से कराए, लेकिन असल में क्या हुआ ये सामने है। ऐसे अधिकारी सामने से अंतर खाने लगे हुए हैं। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा इस समिट के बाद प्रदेश में कितना निवेश हो पाता है, लेकिन साफ है कि समिट से यूपी के खजाने से कुछ करोड़ जरूर कम हो जाएंगे। लखनऊ से समाचार प्लस के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट।